तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 69वां जन्मदिन है और इस मौके पर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी के जन्मदिन पर उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी के संकट मोचन मंदिर में सोने का मुकुट चढ़ाया गया। दरअसल पीएम मोदी के एक प्रशंसक अरविंद सिंह ने दोबारा मोदी सरकार बनने की मन्नत मांगी थी। मन्नत पूरी हुई तो अरविंद ने 1.25 किलो वजनी सोने का मुकुट चढ़ा दिया है। तो ये प्रशंसक है अरविंद सिंह प्रधानमंत्री मोदी के। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर प्रधानमंत्री मोदी आए वक्त जब भी उनको मौका मिलता है तो दौरा करते हैं और वहां पर किस तरह के विकास कार्य उन्होंने किए हैं उनको लेकर भी उनके जो प्रशंसक है वो काफी उत्साहित है। और इसी को लेकर उन्होंने एक प्रण लिया था, एक मन्नत ली थी कि जब दोबारा प्रधानमंत्री मोदी बनेंगे, एक बार फिर से उनका जब कार्यकाल शुरू होगा, तो वो एक सोने का मुकुट चढ़ाएंगे। और आज उन्होंने ये सोने का मुकुट यहाँ पर चढ़ाया है। 1.25 किलो वजनी सोने का जो मुकुट है वो यहाँ पर चढ़ाया गया है। तस्वीर भी आपको उस शख्स की दिखा रहे हैं, प्रशंसक की दिखा रहे हैं, अरविंद सिंह, जिन्होंने ये मुकुट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद चढ़ाया है। और संदीप खेर हमारे साथ, हमारे सहयोगी यहाँ पर जुड़ गए हैं। संदीप प्रशंसक है प्रधानमंत्री मोदी के, मन्नत मांगी गई थी और वो मन्नत पूरी हुई जिसके बाद सोने का मुकुट यहाँ पर चढ़ाया गया है। उनसे बातचीत हुई क्या आपकी, कुछ कहा उन्होंने? आपको बिल्कुल बता दें कि जिस तरह से उन्होंने मुकुट चढ़ाया, कहीं ना कहीं से नरेंद्र मोदी के ये लगातार फॉलोवर रहे हैं, काफी बड़े प्रशंसक रहे हैं। और कहा जाए कि जिस तरह से इन्होंने सोने का मुकुट चढ़ाया है, अपने आप में प्रधानमंत्री होने के नाते नरेंद्र मोदी के लिए और इस देश के लिए भी बहुत बड़े सम्मान की बात है। और काफी उनके प्रशंसक है आज जिस तरह से ये मुकुट चढ़ाया गया है। आपको बता दें अभी किसी कारणवश उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है, पर अपने आप में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वाराणसी की तस्वीरें आपने देखी, जो एक प्रशंसक है प्रधानमंत्री मोदी के अरविंद सिंह, सोने का मुकुट चढ़ाया गया है प्रधानमंत्री के दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद।